देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हर किसी फार्मास्यूटिकल सेल्स एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में एक नए स्टार्टअप हो, आप एक फ्रेशर मेडिकल रैप हो, या इसके अलावा आप एबीएम आरएसएम जेड, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको आज मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपके एरिया में आप किसी भी नए डॉक्टर को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर सकते हो, किस तरीके से आप एक नए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। क्योंकि आप मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करोगे दोस्तों कि किसी भी फार्मास्यूटिकल सेल्स एम्प्लॉय की जो करियर में ग्रोथ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही लेटर पे डिपेंड करती है, और वो दो लेटर होते हैं RX यानी प्रिस्क्रिप्शन। जितने ज्यादा आप किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले पाएंगे, उतने ही ज्यादा आप अपने फार्मास्यूटिकल सेल्स एम्प्लॉय करियर में ग्रो कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, हर किसी फार्मास्यूटिकल सेल्स एम्प्लॉय के लिए ना आज के समय में सबसे मुश्किल टास्क यही है कि वो अपने एरिया में जो नए डॉक्टर है उनको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करें, किस तरीके से वो नए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले। क्योंकि आज के समय में आप देखिए, मार्केट में इतनी सारी कंपनी है, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे मेडिकल रैप एक डॉक्टर से दिन में मिलने जाते हैं, इतने सारे कंपटीशन में डॉक्टर आपको ही प्रिस्क्रिप्शन क्यों दे। और देखिए दोस्तों, यही एक जो है ना सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है, पर्टिकुलरली जो नए फार्मा स्टार्टअप है या जो फ्रेशर मेडिकल रैप है, कि सर हम अपने एरिया में जो नए डॉक्टर है जिनके पास हम जा रहे हैं उनको हम किस तरीके से कन्विंस करें, किस तरीके से उनसे प्रिस्क्रिप्शन लें। देखिए दोस्तों, यदि आप भी इस सवाल से परेशान हो और आपको अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है, तो बने रहना दोस्तों मेरे इस वीडियो के आखिर तक, बिकॉज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी, वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसको आप इंप्लीमेंट करके अपने एरिया के जो ट्रेंड सेटर डॉक्टर है, जो बड़े डॉक्टर है या जो नए डॉक्टर हैं, उनसे आप इजीली प्रिस्क्रिप्शन ले पाएंगे। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को जितने भी फार्मास्यूटिकल सेल्स एम्प्लॉई हैं उन तक तो ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी एक नए कस्टमर से अपने एरिया में प्रिस्क्रिप्शन लेना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, और वो स्ट्रेटेजी है मेक अ गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर फर्स्ट, देन ट्राई टू सेल। कि पहले आप अपने कस्टमर से अपने अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप करें, देन आप उसको माल बेचने की कोशिश करें। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए दोस्तों, आज के समय में अगर आप देखें तो मार्केट में कितना कंपटीशन है, कितनी सारी फार्मा कंपनी है, कितने सारे मेडिकल रैप और सेल्स टीम डॉक्टर के पास मिलने जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर कुछ ही कंपनी के प्रोडक्ट क्यों लिखता है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखता है? काफी सारे लोग मुझसे यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर उन कंपनी की ना एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो कंपनी कुछ एक्सक्लूसिवली स्पॉन्सरशिप करती है डॉक्टर्स के लिए। तो मैं उन सब लोगों को और पर्टिकुलर जो नए फार्मा स्टार्टअप है उनको मैं यही बात बोलूंगा कि भाई ये एक्टिविटी तो आप लोग भी कर सकते हो, तो आपसे अभी तक वो डॉक्टर क्यों नहीं क्रैक हुआ। और आज के समय में अगर आप देखो ना, तो मार्केट में यार बड़ी कंपनियों या छोटी कंपनियों, हर कोई कंपनी ना मार्केट में एक्टिविटी ही कर रही है। तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि एक कंपनी का प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा चलता है, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चलता है? तो देखिए दोस्तों, इसका एक बहुत सीधा सा आंसर है कि डॉक्टर ऑलवेज सिलेक्ट बिटवीन पर्सन, नॉट बिटवीन प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, जहां पे मार्केट में इतना कंपटीशन है और हर कंपनी के पास मोर ऑर लेस एक जैसे प्रोडक्ट है, एक जैसी क्वालिटी है, तो वहां पे डॉक्टर है ना कभी भी वो प्रोडक्ट के बीच में सिलेक्ट नहीं करता, वो सिलेक्ट करता है उन पर्सन के बीच की, वो पर्सन जो डॉक्टर के चैम्बर में उस कंपनी का प्रोडक्ट लेके जा रहा है वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना कैपेबल है। और इसको ना मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद आपको इससे बेहतर तरीके से समझ में आए। कि आपने मार्केट में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास कोई बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज भी नहीं है, फिर भी कुछ डॉक्टर उनका माल लिखते हैं, आपकी कंपनी का माल नहीं लिखते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसका भी दोस्तों बहुत सीधा सा जवाब है कि उस बंदे के जो रिलेशन है ना मार्केट में, वो आपसे कहीं ज्यादा है उस डॉक्टर से। और ये बात दोस्तों आप हमेशा याद रखना कि हम लोग ना हिंदुस्तानी है, हम लोग बहुत इमोशनल है, हम आज भी किसी भी रिलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ओवर दी अदर फैक्टर। इस सेम वे भी डॉक्टर होता है कि देखिए दोस्तों, डॉक्टर भी जो ना वो रिलेशन वाले फैक्टर को हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सिलेक्ट करने के, और सारे ऑप्शन लगभग एक जैसे। इसलिए दोस्तों मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जहां भी मार्केट में इतना कंपटीशन है, सबके पास एक जैसे प्रोडक्ट है ना, तो वहां पे डॉक्टर हमेशा पर्सन को सिलेक्ट करता है ओवर दी प्रोडक्ट। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर से रिलेशन डेवलप करना कितना जरूरी है, बट सवाल अभी भी वही आता है कि यार डॉक्टर से हम अच्छे रिलेशन किस तरीके से डेवलप करें। देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब ना मैं आपको इस वीडियो में बहुत ब्रीफ में दूंगा, बट यदि आपको इस सवाल का जवाब डिटेल में जानना है, या आप एक नए स्टार्टअप हो, नए एंटरप्रेन्योर हो, और आपको अपनी फार्मा कंपनी के लिए मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी बनवानी है, और आप ये भी इसी प्रॉब्लम से परेशान हो कि आपके कंपनी में जो नए डॉक्टर हैं वो नहीं आ पा रहे, आपके जो प्रिस्क्रिप्शन बेस है वो नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसके लिए आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको डिटेल में एक टेलर मेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं सबसे नंबर वन पॉइंट की बात करूं किसी भी कस्टमर से अपने पर्सनल और अच्छे रिलेशन डेवलप करने के लिए, वो है Try to crack the conversation with doctor। देखिए दोस्तों, आपने अपने दिमाग में ये बात तो बिल्कुल क्लियर लेके चलना कि सिर्फ विजुअल एड के पेजेस पलटने से आप किसी कस्टमर से रिलेशन डेवलप नहीं कर पाओगे। और काफी सारे लोग ना मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं कि सर हम डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, बहुत अच्छे से डिटेलिंग कर रहे हैं, बहुत साइंटिफिक डिटेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर रिस्पॉन्स आपको देगा भी कैसे, क्योंकि आपके पास
जो आपके प्रोडक्ट का मैसेज है, जो आपने अच्छे से रट लिया है, आप जाके सिर्फ उसको वॉमिट आउट कर रहे हो, सिर्फ उसको बता रहे हो, डॉक्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी डिटेलिंग में, आपके प्रोडक्ट में, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डॉक्टर का ना अटेंशन ग्रैब करना है। और डॉक्टर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना आपको कुछ तो अलग करना होगा कि बाकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिकल रैप कर रहे हैं कि जाके वो सिर्फ अपने विजिलिट के पेज पलट रहे हैं, तो आपको थोड़ा कुछ तो डिफरेंट सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो अलग क्या है कि वो अलग है कि आपको अपने डॉक्टर से अपने प्रोडक्ट या कंपनी या विजिलिट के अलावा कुछ एक ऐसा टॉपिक ढूंढना पड़ेगा जिससे आप उससे कन्वर्सेशन शुरू कर सके। और ये टॉपिक आप तभी पता कर पाओगे जब आपको डॉक्टर की नीड, आपको डॉक्टर का इंटरेस्ट और आपको डॉक्टर का बिहेवियर अच्छे से पता। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर, वो है रेगुलर एंड टाइमली विजिट। ये दोस्तों इन जनरल भी कहा जाता है कि हमें किसी भी पर्सन से अगर अपने रिलेशन डेवलप करने ना, तो रिलेशन डेवलपमेंट करने के लिए हमें उस व्यक्ति को टाइम देना पड़ेगा। तो सेम वे विद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन, फार्मा सेल्स इंडस्ट्री प्रोफेशन, कि यदि हमें अपने डॉक्टर से रिलेशन डेवलप करने तो सबसे पहले हमें डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा और उसको रेगुलर मिलना पड़ेगा। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं किसी भी कस्टमर से रिलेशन डेवलप करने के लिए, तो वो हैव पेशेंस। देखिए दोस्तों, जो काफी सारे मेडिकल रैप हैं और पर्टिकुलरली जो नए फार्मा स्टार्टअप्स होते हैं, उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार वो क्या सोचते हैं कि हमने किसी नए कस्टमर से दो तीन बार मिल लिए, तो अब हमें डॉक्टर से चाहिए प्रिस्क्रिप्शन, और वो दो तीन बार मिलने के बाद ही ना डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं कि सर हमें प्रिस्क्रिप्शन दो। इससे क्या होता ना दोस्तों, इससे आपका कस्टमर ना अट्रैक्ट होने की बजाय आपसे और अनॉयड हो जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो उस डॉक्टर के पास फार्मास्यूटिकल कंपनी आ रही है वो कितने सालों से आ रही है, आप लोग तो अभी बिल्कुल नए नए हो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए डॉक्टर को। कम से कम मेरे हिसाब से अगर आपने किसी डॉक्टर को लिस्ट में डाला तो उसको एटलीस्ट 3 महीने तक, यानी 3 महीने में उसको कम से कम आप 15 से 20 विजिट दीजिए। और 15 से 20 विजिट भी ये नहीं कि सिर्फ आपने नाम मात्र के लिए जाना है, आपने केवल अटेंडेंस लगानी है, आपको अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से डॉक्टर की कॉल करना। वो इफेक्टिव तरीका क्या है कि सबसे पहले दोस्तों आपको डॉक्टर की नीड समझनी है। नीड आप समझ पाओगे अपने RCPA से। अब RCPA क्या होता है दोस्तों, तो RCPA के लिए मैंने अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, आप मेरा ये वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो से ना आपको RCPA की पूरी इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहले आपको RCPA के थ्रू डॉक्टर की नीड समझनी है। दूसरा आपको RCPA के थ्रू क्या समझना है कि जो डॉक्टर ऑलरेडी ब्रांड लिख रहा है तो उससे मेरा ब्रांड कैसे बेटर है, मैं अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे करूंगा। और ये सब पोजीशनिंग बनाने के बाद आपने एक इफेक्टिव मैसेज तैयार करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और वो इफेक्टिव मैसेज आपने इफेक्टिवली डिलीवर करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप किसी की नीड बेस्ड बात नहीं करेंगे ना, आप जब तक किसी के बेनिफिट की बात नहीं करेंगे, तो तब तक कोई भी आपकी तरफ अटेंशन क्यों देगा। तो ये RCPA करके डॉक्टर से मिलना, और जो मैंने बताया आपको कि अपने प्रोडक्ट की जो स्क्रिप्ट है, अपने प्रोडक्ट का मैसेज है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको तैयार करके मिलना चाहिए। तैयार करके मिलोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वह है गिफ्टिंग एंड सैंपलिंग। दोस्तों, गिफ्ट लेना किसको पसंद नहीं है। यदि हम भी इन जनरल देखें कि यदि हमें कोई आके सामने से गिफ्ट दे तो हमें भी कितना अच्छा लगता है। और ये ना हम भी एक हिंदुस्तानियों की एक आदत भी है कि यदि कोई हमारे लिए कोई काम करता है ना, तो हम उस बंदे को हमेशा जीवन भर याद रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ लाइफ में कर पाए। सेम वे भी डॉक्टर की, यदि आप अपने डॉक्टर्स को रेगुलर गिफ्टिंग करेंगे, रेगुलर सैंपलिंग करेंगे, तो डॉक्टर के दिमाग में ना ये बात रजिस्टर होती है कि यार ये बंदा आता है मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। आप देखना दोस्तों, उस गिफ्टिंग का और सैंपलिंग का ना रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। पर ये जो गिफ्टिंग और सैंपलिंग है ना, ये आपको रेगुलर करनी है। ये नहीं देखना कि मैंने डॉक्टर को यार अभी इस महीने गिफ्ट दिया या इस महीने मैंने उसको सैंपल दिए, मेरे को अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। एटलीस्ट जो मैंने बताया कि 3 महीने तक रेगुलर गिफ्टिंग और सैम्पलिंग की। और दूसरा आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि दोस्तों गिफ्टिंग जो है ना, गिफ्टिंग भी ना आपको बहुत सेंसिबली और बहुत सोच समझ के डॉक्टर के लिए सिलेक्ट करनी है। क्योंकि फार्मा में एक ट्रेंड है कि जो एक गिफ्ट कंपनी बांटना शुरू करती है ना, तो बाकी सारी कंपनी भी उसको देखा देखी गिफ्ट ले आती है। तो उससे भी क्या होता है ना कि आप तो वहां पे पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन अगेन वो सामने वाले की चीज कुछ यूज में नहीं आ रही है। तो गिफ्टिंग आपको कैसे प्लान करनी चाहिए, सैम्पलिंग आपको कैसे प्लान करनी चाहिए, इसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5th एंड लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है स्पेशल ओकेशन। अब देखिए दोस्तों, स्पेशल ओकेशन क्या होते हैं किसी भी डॉक्टर के लिए, वो होते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी मैरिज एनिवर्सरी या उसकी कोई ऐसी क्लिनिक की एनिवर्सरी, कोई हॉस्पिटल की एनिवर्सरी। ऐसे ओकेशन पे ना दोस्तों एक बहुत अच्छा चांस होता है किसी भी सेल्स एम्प्लॉय के लिए अपने रिलेशन बिल्ड करने का। कि आप क्या कीजिए कि डॉक्टर की अगर डेट ऑफ बर्थ है, मैरिज एनिवर्सरी है या कुछ इस तरह की उसकी ओकेशन है, तो आप एक अच्छा सा बुके या अच्छा सा केक लेके डॉक्टर के घर जाइए और कोशिश कीजिए कि डॉक्टर से सबसे पहले आप मिलने जाए। और यदि आप डॉक्टर के क्लिनिक पे मिलने जा रहे हैं तो उस दिन दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात ना करें, आप केवल उसकी वो जो स्पेशल ओकेशन है उसको विश करके आए। और साथ में हो सके तो उसको कोई लंच या डिनर के लिए भी आप ऑफर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में ना डॉक्टर ये मना ही करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी ना एक बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव वे है किसी भी डॉक्टर से रिलेशन बिल्ड करने। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसका मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि किस तरीके से आप अपने डॉक्टर से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और यदि देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके दिमाग में यदि कुछ सवाल है, कुछ डाउट्स है, तो आप हमेशा मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड गाइड यू।
प्रॉपरली। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट डे।